में दो गुट के बीच विवाद के मामले में भाजपा प्रदेश सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा के चार बड़े नेता ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्रकार, सांसद संतोष पांडे और विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कवर्धा मामले में जांच और जेल में बंद कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग की है। साथ ही भाजपा ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो न्यायालय जाकर दोषियों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए लड़ाई लड़ेगी भाजपा। निश्चित रूप से कवर्धा के मामले को जिस प्रकार से ये सरकार हल्के तरीके से ले रही है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, वो शर्मनाक है। इस प्रदेश में दो तिहाई से ज्यादा बहुमत जिनके वोटों से ये सरकार जीत कर आई है उन्हीं का अपमान कर रही है और उनके साथ में अन्याय कर रही है, उनके ऊपर में अत्याचार कर रही है। भगवा ध्वज जो इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, इस देश की आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रतीक है, जन जन की भावना का प्रतीक है, ऐसे भगवा ध्वज के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करने की बजाय इस अपमान का विरोध करने वाले लोगों को जेल में डाल रही है, उनकी जमानत करने से रोक रही है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस मास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस की विस्तारिक बैठक दुर्ग में हुई। ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कार्यकारिणी की बैठक राजधानी से बाहर की है। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम उपस्थित रहे। बैठक में कांग्रेस की सदस्यता अभियान और 14 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ चलाए जाने वाले जन जागरण पदयात्रा और आंदोलन के रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस अभियान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाएंगे और अभियान का समापन 29 नवंबर को कोंडा गांव में होगा। इसके साथ ही आजादी के हीरक महोत्सव और इंदिरा गांधी जयंती, बांग्लादेश विजय दिवस के 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। नहीं है, सामंजस्य का अभाव नहीं है और राज्य सरकार विधि सम्मत जो भी कार्रवाई कर सकती है वो करेगी और जहाँ तक गवर्नर और सरकार के बीच में वो मधुर संबंध है और गवर्नर स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं।
खबर कोंडा गांव से है, जहां पर जिलाधिकारी पुष्पेंद्र मेड़ा के आदेश पर एसडीएम दीनदयाल मंडावी ने पुलिस टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर अतिक्रमण अभियान चलाया। राजमार्ग के किनारे दुकानदारों ने शेड और पंडाल लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों और अधिकारियों के बीच विवाद भी हुआ। वहीं कुछ दुकानों पर चालान कर जुर्माना भी वसूला गया। नगर पंचायत के माध्यम से 3-4 दिन पहले से अनाउंस करवाया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जो दोनों ओर की जगह है, वहाँ किसी तरह का दुकान का सामान ना निकालें, कोई बिगड़ी हुई गाड़ी खड़ी ना रहे, कोई निर्माण सामग्री ना पड़ी रहे। और आज पुलिस और नगर पंचायत के स्टाफ के साथ हम लोगों ने भ्रमण करके देखा और ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जिन्होंने इसका पालन नहीं किया। खबर कोरबा से है, जहां पर सीओ होटल घिरे विवादों में नाराज 53 पंचायत सचिव ने कामबंद हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि पंचायत कटघोरा में पांचवी बार पदस्थ किए मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचएन होटल को हटाने की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज जनपद के 53 पंचायतों के सभी सचिवों ने बेमुद्दत कामबंद हड़ताल शुरू कर दिया है। जनपद के समक्ष सुबह से सचिव हड़ताल पर है। जनपद क्षेत्र के सरपंचों और जनपद अध्यक्ष लता कंवर से लेकर जनपद सदस्यों का भी समर्थन मिला है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़।